हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज। फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में हम बेसिक ज्योग्राफी थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कवर कर चुके थे। देन हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिन्स, जिसमें हमने दो थ्योरीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, गैसियस नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ केल्विन एंड द टेट्राहेड्रल हाइपोथेसिस ऑफ लोथियन ग्रीन। देन हम स्टार्ट करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एफ वी टेलर। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम CDT ऑफ एफ वी टेलर की देखने वाले हैं। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ एफ बी टेलर, इन्होंने यह अपना जो कॉन्सेप्ट था कब दिया, 1908 में। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कब, 1908 में। लेकिन ये पब्लिश कब हुई, 1910 में। इनके जो हाइपोथीसिस थी उसका मेन पर्पज़ क्या था, उन्होंने ये हाइपोथीसिस क्यों दी। एक्चुअली वो क्या है, जो ओरिजिन ऑफ द फोल्डेड माउंटेन्स, जो कि कौन से पीरियड के हैं, टर्शियरी पीरियड के, वेदर इट इज़ हिमालयन, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, एटलास, कोई भी हो, तो ये उनके जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनसे ओरिजिन को लेकर उनकी जो प्रॉब्लम्स थी उनको एक्सप्लेन करना चाहते थे। टेलर वॉन्टेड टू सॉल्व द पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन। तो कुछ जो टर्शियरी माउंटेन थे वो एक्सटेंड कर रहे थे नॉर्थ से साउथ, लाइक जैसे रॉकीज और एंडीज हैं। अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात की जाए, नॉर्थ अमेरिका है और ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका, तो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारा रॉकीज है और यहाँ पर हमारा क्या है, एंडीज है, जो वेस्टर्न मार्जिन है। एंड देन इसके बाद जो हमारे वेस्ट से ईस्ट है, लाइक एल्प्स हो गए, कॉकेसस या हिमालयन माउंटेन हो गया, ये हमारा क्या है, हिमालयन माउंटेन है। तो ये कैसे थे, वेस्ट से ईस्ट, इन्हीं के बारे में बेसिकली एफ बी टेलर ने क्या किया है, ये स्टडी की है, ये हाइपोथेसिस इन्हीं पर डिपेंड है। तो उन्होंने जो अपनी थ्योरी है उसके लिए किसी की हेल्प नहीं ली, कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी का कोई हेल्प नहीं लिया है, उन्होंने अपनी एक अलग ही थ्योरी दी है, क्या, ड्रिफ्ट थ्योरी या डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। एक यहाँ पर नोट कि जो टेलर हैं उन्होंने पहली बार जो अटेम्प्ट किया है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का, लेकिन हालांकि इससे पहले एंटोनियो स्नाइडर ने क्या है ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, कब, 1858 में। उन्होंने जो स्नाइडर ने जो पोस्टुलेशन दिया था ड्रिफ्ट हाइपोथीसिस का, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी ऑफ द फॉसिल्स ऑफ द कोल सीम्स इन कार्बोनिफेरस पीरियड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। जो नॉर्थ अमेरिका है हमारा और ये नॉर्थ अमेरिका है और इधर क्या है, यूरोप है, तो इसमें जो कोल की सिमिलरिटी थी उसके बारे में बताया है किसने, स्नाइडर ने, एंटोनियो स्नाइडर ने। तो टेलर की जो हाइपोथीसिस है, टेलर की थ्योरी है, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, क्रिटेशियस पीरियड से। अब क्रिटेशियस पीरियड कौन से ईयोन में होता है, कौन से एपोच में होता है, ये आप हमारी जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड वाली वीडियो है उसमें जाकर देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू हिम, टेलर के अकॉर्डिंग क्या थे, दो लैंड मासिस थे और एक का नाम क्या था, लॉरेंशिया, एक का गोंडवाना लैंड। कहाँ पर लोकेट थे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। तो आपको डायग्राम की हेल्प से दिखा देते हैं, ये क्या है हमारा अंगारा लैंड, जिसको क्या है लॉरेंशिया भी बोला जाता है। तो ये कहाँ थे, नॉर्थ पोल की तरफ, एंड देन हमारा जो गोंडवाना लैंड था वो साउथ पोल की तरफ था। तो दो पार्ट थे क्रिटेशियस पीरियड में, दो पार्ट थे, एक अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड या लॉरेंशिया कहाँ था, नॉर्थ पोल पे, और गोंडवाना कहाँ था, साउथ पोल पे। फिर उन्होंने फर्दर एज्यूम किया है कि कॉन्टिनेंट्स जो है हमारे किससे बने हुए हैं, सियाल से। सियाल क्या होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बनी होती है, किसकी प्लेट, कॉन्टिनेंट्स की। टेलर के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट्स थे वो मूव कर रहे थे किधर, इक्वेटर वर्ड्स, ठीक है, डायग्राम में देखना, इक्वेटर की तरफ ये मूव कर रहे हैं, कौन, हमारा जो ये लॉरेंशिया और गोंडवाना लैंड है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं दोनों। इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स थी वो कौन सी है, टाइडल फोर्स, जो मून के द्वारा लग रही है, टाइडल फोर्स ऑफ द मून, इसकी वजह से ही ये
मूवमेंट हो रहा है किसका, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना है ये भी फर्दर टूट जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो दो तरह का मूवमेंट हो रहा है, इक्वेटरवर्ड मूवमेंट एंड वेस्टवर्ड मूवमेंट। देखिए ये जो हमारा है इक्वेटर की तरफ ही तो मूव करे, एंड वेस्टवर्ड इधर वेस्ट की साइड में भी इसका मूवमेंट होगा, जो इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड दो तरह के मूवमेंट हो रहे हैं। तो लोरेंशिया स्टार्ट किया कहाँ से, नॉर्थ पोल की तरफ से, किसकी तरफ, इक्वेटर की तरफ, किस फॉर्म में, रेडियल मैनर में, जैसे ये है, ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ पर क्या है लोरेंशिया है, ये मूव कर रहा है इक्वेटर की तरफ, और इस पर फोर्स कौन सी लग रही है, जो टाइडल फोर्स है मून की वो काम कर रही है। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, टेंशनल फोर्स भी लगी इसमें, टेंशनल फोर्स की वजह से स्ट्रेच हुआ, स्प्लिट हुआ और रप्चर, दरारें भी आई, तो यहाँ पर टूट गया। तो इससे क्या बना, बफिन बे, लैब्राडोर सी और डेविस स्ट्रेट का फॉर्मेशन हुआ। देख लेते हैं कहाँ पर है ये बफिन बे, देखिए ये लैब्राडोर सी, ये स्ट्रेचिंग की वजह से, ये डेविस स्ट्रेट, बफिन बे, जब हमारा यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ से, यहाँ समझा देते हैं, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ हमारा अंगारा लैंड या लोरेंशिया है, जब ये इधर इक्वेटरवर्ड मूवमेंट हुआ तो यहाँ पर रप्चर टूट गया, दरारें आ गए, फोल्ट आ गया, तो ये गैप जो है बचा हुआ बफिन बे, डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, ये इसी रप्चर की वजह से बने हैं। सेम ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका, गोंडवाना लैंड का साउथ पोल की तरफ से, सेम इसी में भी स्प्लिट डिसरप्शन हुआ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिला, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट रोड सी इसका फॉर्मेशन हुआ। ये भी देख लेते हैं, देखिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इनका फॉर्मेशन हुआ है, रप्चर हुए, यहाँ टूटा है, अंटार्कटिका था ना, इससे टूट के ऑस्ट्रेलिया मूव कर रहा है इधर की तरफ, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, एक फोल्ट बने, दरारें बनी हैं, तो यहाँ पर क्या है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट देखने को मिली है। तो आर्कटिक सी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसके बीच में हुआ, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के बीच में, क्योंकि जो लोरेंशिया का मूवमेंट हो रहा था किधर, इक्वेटर वर्ड मूवमेंट हो रहा है। अब ग्रीनलैंड साइबेरिया कहाँ है, देखिए ये हमारा क्या है, आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, तो ये ग्रीनलैंड, ये हमारा डेनमार्क का पार्ट है, ये कौन सा ग्रीनलैंड है, और ये साइबेरिया तक फैला हुआ, ये पूरा हमारा क्या है, ये हमारा आर्कटिक ओशियन है, ये हमारा क्या है, आर्कटिक ओशियन, क्लियर। अटलांटिक और इंडियन ओशियन भी सेम यही सपोज किया जाता है कि इसी वजह से बने हैं, जो हमारा कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे थे उसके बीच में क्या है, गैप बना, और गैप में क्या है, पानी भर गया, उसी की वजह से क्या है, अटलांटिक और इंडियन ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। ये किन्होंने बोला है, एफ बी टेलर ने बताया है। तो टेलर ने एज्यूम किया है जो हमारा जो लैंड मासिस थे लोरेंशिया एंड गोंडवाना, यहाँ पर एक डायग्राम और बना देते, लोरेंशिया और गोंडवाना ये मूव कर रहे थे किसी में, लोब फॉर्म में, लोब का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में, देखिए ये टूट गया तो इधर नॉर्थ अमेरिका बना, इधर यूरोप बना, ये टूटा तो इधर क्या अंटार्कटिक बना, ऑस्ट्रेलिया बना, तो मूव कर रहे हैं इनसे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स बने, तो लो फॉर्म में, और लेकिन जो ड्रिफ्टिंग थी वो कहाँ लग रही थी, थ्रू द जोन्स ऑफ लेसर रेसिस्टेंस, जहाँ पर कम रुकावटें थी, जहाँ जो बाधाएं थी कम आ रही थी, जैसे मान लो यहाँ पर टूट गया, यहाँ पर फोल्ट कर चला गया इक्वेटर वर मूवमेंट, इधर जहाँ पर इनको रेजिस्टेंस कम मिला उधर की तरफ मूवमेंट इनका हो गया। तो माउंटेन्स और आईलैंड आर्क से इनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, फ्रंटल पार्ट पे, फ्रंटल पार्ट ऑफ द मूविंग लोब्स। अब मान लो दो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये है वन एंड इधर है, तो मूवमेंट हो रहा है इनका। अब ये क्या है, जब यहाँ पर मूव कर गई तो ये इसके ऊपर को क्या है, उठ जाएगा पार्ट, तो यही उठ के क्या बनेगा, माउंटेन्स बनेगा, जो हमारा रॉकीज एंडीज ये जो बने हैं, वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा था कॉन्टिनेंट का, तो उसकी वजह से बने हैं। एक डायग्राम की हेल्प से दिखा देते हैं, तो ये मूवमेंट हो रहा था किसका, कॉन्टिनेंट्स का, जो हमारा अंगारा लैंड और गोंडवाना था, तो मूवमेंट हुआ। तो रॉकीज क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा, तो ये क्या है, पार्ट इसका ऊपर को उठ गया, और सेम ऐसे ही एंडीज का पार्ट उठा, तो इससे क्या है, हमारे रॉकीज माउंटेन्स, एंडीज माउंटेन,
एटलस माउंटेन, एल्प्स, हिमालयन माउंटेन ये देखने को हमें मिलते हैं। तो हिमालय, कोकेसस, एल्प्स ये किसकी हेल्प से बने? जो इक्वेटर मूवमेंट हो रहा था लॉरेंशिया उसकी वजह से, और जो हमारा रॉकीज और एंडीज बने हैं ये किसकी वजह से बने हैं? जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है लैंड मासिस का उसकी वजह से देखने को मिलते हैं। क्लियर, ये आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ हमारी टेलर की थ्योरी थी। टेलर ने बेसिकली क्या बताया है, जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन है उसके बारे में बताया, ड्रिफ्ट कैसे हो रहा था, किस जोन से होकर गुजर रहा था जहाँ पर लेसर रेजिस्टेंस थी, कौन सी फोर्स लग रही थी, टाइडल फोर्स ऑफ द मून, तो ये सब हमने पढ़ा। अब इसमें क्या क्रिटिसिज्म देखने को मिलते हैं टेलर की थ्योरी में, वो क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं? टेलर ने बेसिकली बोला था कि जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे थे उनको क्या है, 1000 किलोमीटर ड्रिफ्ट कर रहे हैं। किस लिए? जो माउंटेन्स बन रहे थे उसके लिए। अगर थाउजेंड्स, लेकिन जो माउंटेन ओरिजिन ही है वो क्या है उसके लिए सफिशिएंट है, 20 से 40 मील की दूरी ही। अगर वो 20 से 40 मील ही ड्रिफ्ट कर गए तो माउंटेन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन टेलर साहब ने कितना बताया? टेलर साहब ने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बताया है। एंड ड्यू टू टाइडल फोर्स ऑफ द मून, एक्सियल स्पीड ऑफ अर्थ माइट हैव डीसेलरेटेड। इन्होंने बोला है कि जो टाइडल फोर्स थी मून की वो मूवमेंट करा रही है, किसका? कॉन्टिनेंट्स का। और ये मूव कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। अगर इतनी ही स्पीड, इतनी ही फोर्स लगती टाइडल फोर्स मून की, तो क्या है वो अर्थ की स्पीड को भी रोक सकते हैं। जो अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है उसको भी रोक देगी अगर इतनी फोर्स लग रही है मून की तो, और जो मूवमेंट है अर्थ का वो रुक जाएगा। देन थर्ड क्रिटिसिज्म क्या है, होम्स के अकॉर्डिंग नाइदर टाइडल फोर्स नॉर एनी एक्सटर्नल फोर्स कैन ड्रिफ्ट द कॉन्टिनेंटल अपार्ट। इन्होंने बोला है आर्थर होम्स ने कि ना तो टाइडल फोर्स काम करेगी ना ही कोई एक्सटर्नल फोर्स, बल्कि कौन सी फोर्स करेगी फॉर्मेशन, माउंटेन के फॉर्मेशन के लिए और उनको ड्रिफ्ट कराने के लिए कॉन्टिनेंट को, वो फोर्स आएगी विद इन द अर्थ कन्वेक्शन करंट की हेल्प से। जब हम पढ़ेंगे क्या है, हैरी हैस की कॉन्टिनेंटल स्प्रेडिंग, मतलब स्प्रेडिंग वाली थ्योरी पढ़ेंगे हैरी हैस की, तो उसमें देखेंगे क्या आर्थर होम्स की भी कौन सी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। तो ये थ्योरी क्या है, डज नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ प्री टर्शियरी फोल्डेड माउंटेन। इन्होंने क्या है टर्शियरी पीरियड के बताए हैं, अब टर्शियरी से पहले भी तो फोल्डेड माउंटेन थे उनके बारे में उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिनक्लाइन एंड प्लेट टेक्टोनिक। एफ बी टेलर ने इनका भी कोई डिस्कस नहीं किया है। ये क्या थे, कुछ क्रिटिसिज्म थे एफ बी टेलर के, जो कि बाद में किसने सुधारे हैं, वो वैगनर ने, और वैगनर के बाद भी फिर देखने को मिलती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। हालांकि क्रिटिसिज्म है एफबी टेलर की थ्योरी में, लेकिन जो उनकी हाइपोथेसिस थी उसने ही बेस दिया किसको, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वैगनर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को, इसलिए। और यही फर्स्ट थे जिन्होंने ड्रिफ्ट के बारे में इतना डीपली स्टडी किया और काफ़ी कुछ बताया। तो यहाँ हमारी टेलर, एफ बी टेलर की थ्योरी ख़त्म होती है। बेसिकली हमने इसमें माउंटेन्स की ओरिजिनी के बारे में और ड्रिफ्ट के बारे में देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। अगर आपको कंटेंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद रोहित गौतम। एंड अगर कोई फर्दर क्वेरी या डाउट हो तो आप मेल कर सकते हो और यू कैन कॉल एट दिस नंबर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।